गाइज नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सुमन। मैं जब भी लाइव आती हूँ मुझे कुछ कॉमेंट्स एक डेफिनेटली मिलते हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, टमी क्लियर नहीं होता है, बहुत ही हार्ड स्टूल पास होता है, या फिर तीन तीन चार चार दिन हो जाते हैं बिल्कुल भी स्टूल पास नहीं होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, फिशर एंड पाइल्स, बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टूल पास करना। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन आता कहाँ से है और किस लिए आता है। अगर आप सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, आपका डाइट वगैरह सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, पानी भी ठीक पी रहे हो, फिर भी कॉन्स्टिपेशन आ रहा है ना। कुछ कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, जब वो डाइट करते हैं तो अपनी मील स्किप करते हैं, मील्स ना लेना, मील को स्किप करना, लंबे समय तक फास्टिंग करना, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड फूड खाना। हार्ड फूड बोले तो अगर फॉर एग्जांपल आप रागी की रोटी खा रहे हो, आप बेसन की रोटी खा रहे हो, आप जौ ज्वार की रोटी खा रहे हो, आपने ऊपर से घी नहीं लगाया, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सेकेंड इज पानी का एक झटके में पीना, बिल्कुल एक शॉर्ट शॉर्ट में पानी आप पी जाना, आधा लीटर या एक लीटर तक लोग क्या करते हैं, बैठे 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 5-10 मिनट के अंदर एक लीटर का पानी जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेट रखना है, उसको बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना। जैसे द मोमेंट आपकी बॉडी बिल्कुल ड्राई फील करेगी आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा ही आएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी लोग डाइट पे आते हैं मैक्सिमम लोग इस तरीके से होते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन आना ड्यूरिंग अ डाइट इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट उसको साथ साथ सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, उसको साथ साथ क्योर करना पड़ता है। अगर आप उसको लंबे समय तक ऐसी यू नो केयरलेस बिहेवियर के साथ चलोगे कॉन्स्टिपेशन के साथ, तो वो आपको फिशर पाइल्स का प्रॉब्लम देगा ही देगा। नाउ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाइट पे नहीं होते, स्टिल उनको कॉन्स्टिपेशन होता है और बहुत मेजर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। बहुत सारे मेंबर्स इस तरीके के हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। मेरे पास कुछ लोग इस तरीके से भी, मैंने अभी यू नो रिसेंटली स्टडी की है केसेस कि एक एक दो दो साल से वो कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, स्पेसिफिक दवाइयाँ जो नॉर्मल लोकली मार्केट में मिलती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन दवाइयों का, बट वो दवाई वो एक एक डेढ़ डेढ़ साल से रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। मतलब कि रोज़ रात को उनका नित नियम है कि वो 2 से 3 गोलियाँ उसकी ले रहे हैं या 1 से 1.5 चम्मच कुछ पाउडर्स के खा रहे हैं। इस चीज़ों को करने से सीरियसली मैं बता रही हूँ आपने अपना डैमेज बहुत करा है। अगर आप किसी भी तरीके की फ्रेश होने के लिए, बाउल मूवमेंट क्लियर करने के लिए कॉन्स्टिपेशन की किसी भी टाइप की दवाइयों पे हो और आपका जो स्टूल पास है वो मेडिसिन पे डिपेंड हो चुका है, तो उसको इमिजिएटली रोको और अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि अगर एक दिन हमको स्टूल पास नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3रे दिन तो होगा ही होगा, बट वो दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी बिल्कुल बंद कर दो रिलेटेड टू बाउल मूवमेंट क्लियर होने के लिए। कुछ ऐसी बेसिक होम रेमेडीज होती है, विंटर्स की अलग होती है, समर्स की अलग होती है, जिसकी हेल्प से आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्योर किया जा सकता है। आपको अगर फिशर पाइल्स का प्रॉब्लम है उसको भी क्योर किया जा सकता है। बट बेसिक चीज़ यहाँ पे आती है, पानी पूरे दिन सिप सिप करके पीना ताकि आपकी जो बॉडी है वो ड्राई ना हो, ए पार्ट। बी पार्ट, आपकी अपनी डाइट के अंदर गाजर, खीरा, प्याज, टमाटर, चकुंदर, इन सब की सलाद का एक बाउल तो होना ही होना चाहिए, एंड मेक श्योर वो लंच में या इवनिंग टाइम में आपका एक बाउल जाएगा ही जाएगा सलाद का। नंबर थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट चीज, सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड हम लेंगे अपनी डाइट के अंदर ताकि हमारा जो बाउल मूवमेंट है वो क्लियर हो। सॉफ्ट खाना, आलू का चाट हो गया दही के साथ, आपकी दही कर्ड सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कर्ड कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने का, एसिडिटी को क्योर करने का, खट्टी डकारों को ठीक करने का, बर्बिंग फार्टिंग को ठीक करने का सबसे ईजिएस्ट एंड सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कर्ड। कर्ड की छाछ बना के लेना उसका, या फिर आप दही, जस्ट नॉर्मली दही आप अपनी रोटी, सब्जी, खिचड़ी, दाल, चावल इन सब के साथ ऐड कर सकते हैं, एंड सॉल्यूशन इज आपका जो बाउल मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें हैं हमारी किचन में जिसकी हेल्प से आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्लियर होगा। मैं 5 टॉप रेमेडीज अपनी बताऊंगी अभी जिसकी हेल्प से आपका कॉन्स्टिपेशन सॉल्व होगा, क्लियर होगा, एंड आपका जो टमी है वो बिल्कुल फ्लश ऑफ करेगा। बट इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना कि आज लिया ठीक हो गया क्योंकि आपका बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है। इट विल टेक टाइम, 2 दिन 3 दिन, बट आप दवाइयों पे दोबारा मूव मत कर जाना। कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा जो बीमारी है ये कॉन्स्टिपेशन, ये आती कहाँ से है, ब्रेन से। ओवर थिंक, ओवर स्ट्रेस करोगे एंड आपका जो बाउल मूवमेंट है वो रुकेगा या तो वाटर रिटेंशन होगा। जब हम ओवर थिंकिंग एंड ओवर स्ट्रेस करते हैं हम अंधाधुंध खाना भी लग जाते हैं। आप जब खाना खा रहे हैं तो कभी भी नोटिस करना, जब स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तब हमारा जो बॉडी है वो खाने का टेस्ट डेवलप ही नहीं करता। हम बस खा रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती खा रहे हैं, हमको अंदर से फील हो रहा है हम खा रहे हैं और हमारा माइंड शांत हो रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सो अंधाधुंध खाइएगा मत जब भी आपको स्ट्रेस और प्रॉब्लम चढ़ेगा। नंबर 2, मैदे का इनटेक। मैदा बिल्कुल भी अपनी डाइट से बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दो। हाई फाइबर्स की चीज़ें लेंगे, बट ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होगी, बट कुछ लोग हैं वो करते नहीं हैं, तो करना चालू करेंगे।
अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं मेरी टॉप 5 रेमेडीज फॉर कॉन्स्टिपेशन और उसको क्योर करेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। चलते हैं किचन में। फर्स्ट रेमेडी के लिए हमको चाहिए पैन। पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ वाटर, गर्म पानी, 2 कप जितना मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। नेक्स्ट फर्स्ट रेमेडी हमारी है जिंजर एंड रेजिन वाटर। सो यहाँ पे मेरे पास है जिंजर, ये 1 चम्मच गया और आधा चम्मच और, इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। इसके साथ में हम डालेंगे हमारी किशमिश। सो ये मेरे पास 8 से 10 किशमिश है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे बहुत अच्छे से, जब तक ये 1/2 कप जितना ना हो जाए। जी ये वाटर है हमारा रेडी है। और जितनी भी हमारी किशमिश है उस सब की सब हम इसके अंदर डाल देंगे। किशमिश हम खाएंगे, जिंजर इतना हम नहीं लेंगे। लास्ट इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 स्पून जितना हमारा जैगरी का पाउडर, खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस टी को लेने के 35 से 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्योर हो जाएगा। एंड इसका बेस्ट टाइम है लेने का आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच या फिर इवनिंग टी के टाइम पर। इसको एम्प्टी स्टमक हम बिल्कुल नहीं लेंगे। नेक्स्ट रेमेडी हमारे पास है, ये है हमारी नाइट्रिंक। नाइट्रिंक की तरह हम इसको लेंगे। मैंने 1 गिलास पानी के अंदर 2 अंजीर सुबह ही सोख करके रख दिए थे, या फिर मैक्सिमम आप इसको सोख कर सकते हो 4 से 5 घंटे के लिए। ये पानी के अंदर सोखी हुई अंजीर है और ये कैसे यूज़ करेंगे आगे का स्टेप बताते हैं। ये लिया मैंने पैन, पैन के अंदर ये जो सोख किया हुआ मेरा वाटर है, ये और 2 अंजीर मैंने इसमें डाल दिया है। जैसे एक ही बॉयल आएगा अंजीर खाएंगे और ये वाला जो पानी है ये हम सिप करके पियेंगे। ये जो वाटर है ये गर्म हो चुका है, इसको हम बंद कर देंगे। इस पानी को हम स्ट्रेन करेंगे और ये जो 2 अंजीर हमारे पास है ये हम खाएंगे और ये वाला जो वाटर है ये सिप सिप करके पियेंगे। मॉर्निंग में उठ के बहुत अच्छे से ही जो बाउल मूवमेंट है वो क्लियर हो जाएगा, हमारा कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल गायब। इस रेमेडी बहुत ही सिंपल है। ये मैंने 1/2 कप लिया है फुल फैट मिल्क, इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी किशमिश 5 से 6। और ये रेमेडी आप कभी भी कर सकते हो, मॉर्निंग में कर सकते हो खाली पेट, आप दोपहर में भी कर सकते हो, आप इवनिंग के टाइम पे भी कर सकते हो, रात को सोते समय करोगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। गैस हम कर देंगे बंद। इसमें हमने डाला ये मिल्क विथ किशमिश। नेक्स्ट इज इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच जैगरी पाउडर। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी, ये है मेरे पास घी, इट्स अ काउ घी। मैं इसके अंदर डालूंगी मेरा 1/2 चम्मच जितना काउ घी एंड इससे बहुत अच्छे से जो स्टमक है वो क्लियर होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज अगर आपको मैसिव कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, एवरी डे लंच में जो भी आप खा रहे हो उसके साथ आपका जाएगा दिस सैलेड का प्लेट। इसमें खीरा है, मूली सीजन में है, गाजर सीजन का है, चकुंदर भी इस समय बहुत अच्छा सीजन में है, साथ में ये जैगरी का बाइट ज़रूर 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 ऐड होगा। ये पूरा रहेगा आपका लंच के साथ, जो भी आपका लंच चल रहा है उसके साथ एवरी डे आपको ये ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी का शॉट विद घी। कॉन्स्टिपेशन क्योर करने के लिए, क्विकली क्योर करने के लिए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है तो ये आप कभी भी ले सकते हो, बट खाली पेट नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल आप लंच के बाद लेंगे या ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे। तो जैसे ही ये पानी मेरा उबल रहा है, इसके अंदर कोई भी कॉफ़ी आप डाल सकते हो किसी भी फ्लेवर की। मेरे पास ये कॉफ़ी है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सो इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा 1/2 स्पून जितना कॉफ़ी पाउडर, डिपेंड करता है आप कितनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। परफेक्ट, गैस को हम कर देंगे बंद। नेक्स्ट हमने ब्लैक कॉफ़ी अपने मटके में डाल दिया 1/2 कप जितना। इसके अंदर हम डालेंगे कम से कम 3 से 4 ड्रॉप ऑफ देसी घी, काऊ का घी, खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड जैगरी पाउडर टू,
बट मैं ऐसे ही लेती हूँ एंड दिस शॉट इज रेडी. वेलकम बैक. सो ये थी मेरी सारी कॉन्स्टिपेशन की रेमेडीज. आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. पॉइंट इज कि अपने आप को दवाइयों पे स्विच करना बंद कर दूँ. दवाइयाँ आपको कहीं से हेल्प नहीं करेगी, किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगी, स्पेशली आपके टमी क्लियर होने में. हाँ, आपको बहुत मैसिव प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन टेक. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहा, अब मेरे को लेना पड़ेगा, 5 से 6 दिन हो गई हैं, बिल्कुल फ्रेशन अप नहीं हुआ है क्योंकि आप कोई भी रेमेडी फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन टेक योर मेडिसिन. अदरवाइज अपने आप को दवाइयों पर डालना बंद करो. सॉफ्ट फूड खाएंगे ताकि स्टूल जो है वो सॉफ्ट पास हो. नेक्स्ट सिचुएशन, नींद पे आपने अपना पूरा ध्यान रखना है. 7 से 8 घंटे की नींद एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बहुत सारी बीमारियां आएंगी और कोई भी रेमेडी काम नहीं कर पाएगी. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. जिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, शेयर दिस वीडियो एंड शेयर दीज रेमेडीज विद देम, ताकि चीज़ें जो है वो ठीक रहें, हर कोई बिना दवाइयों के जीना सीख सके. सो या दैट्स इट. आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. टेक केयर जी, बाय बाय.